Pinte essa pinta. मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन कई दिनों से लगी हुई थी और आप देख सकते हैं कि सिवान के जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान सहित सिवान के सदर अनुमंडल पदाधिकारी सभी लोग सड़कों पे मानव श्रृंखला सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। इंसान बात करेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे मानव श्रृंखला को लेकर? सबसे पहले तो जिस उद्देश्य से मानव श्रृंखला बनाई गई थी, हम लोगों ने जितनी सहभागिता अपेक्षित की थी उससे बढ़ चढ़ कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। अब चूंकि निर्धारित समय समाप्त हो चुका है, हम लोग अपने दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को यह निर्देश देंगे कि सभी लोगों को शांतिपूर्वक इस पर कराने की कार्रवाई करें। सर, एक चीज़ देखी जा रही है कि 1 क्लास से लेकर के 5 तक के बच्चों को मानव श्रृंखला नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर देखने को मिल रहा है कई बच्चे लगे हैं जो 4 क्लास के, उनका हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने खुद यह निर्देश भी दिया था कि 1 से 5 मिनट को नहीं लगाना है। कुछ जगहों पे हो सकता है कि अति उत्साह में लोग लगाए हों, तो हम लोग जांच की कार्रवाई करेंगे। किंतु दरौंदा और पचमुखी की तरफ भी ऐसी शिकायत आ रही थी, हम लोगों ने उनको संदेश दिया कि वो इसका हिस्सा नहीं बनते। मुख्यतः 5वीं से ऊपर के बच्चे, और इस बार जो डिफरेंस है पिछली बार से वो यह है कि नागरिकों की सहभागिता पिछली बार की बजाय काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे लगता है कि समाज के सभी वर्गों तक पहुँचते हैं। आप सर सिवान के लगभग सभी एरिया में घूमे हैं आप, और क्या लग रहा है निरीक्षण करने के दौरान, क्या लग रहा है कि मानव श्रृंखला पूरी तरह से सफल है? मैं दरौंदा, पचमुखी, सिवान सदर, हुसैनगंज और सिवान नगर क्षेत्र घुमा हूँ। इन 5ों जगह पे पिछली बार से बेहतर टर्नआउट है, और जैसा मैंने बताया समाज के सभी वर्ग का भी संदेश इस मानव श्रृंखला। चलिए, थे सिवान के जिलाधिकारी महेंद्र कुमार, इनका कहना है कि मानव श्रृंखला पूरी तरह से सफल है। अब हम बात करेंगे सिवान के पुलिस कप्तान से। सर, क्या कहना चाहेंगे मानव श्रृंखला को लेकर? पिछले बार की मानव श्रृंखला से ज़्यादा ही भीड़ थी। हम क्षेत्रों का दौरा करके आए, हर जगह लोगों की सहभागिता बहुत भारी थी। मानव श्रृंखला पूरी तरह से सफल बना गया। ये है सिवान के पुलिस कप्तान थे, उन्होंने कहा कि मानव श्रृंखला पूरी तरह से सफल है। इस मानव श्रृंखला के निरीक्षण के क्रम में सिवान के सदर अनुमंडल पदाधिकारी भी मौजूद है, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। कैसा रहा मानव श्रृंखला, हालांकि अब समय अंतिम पड़ाव में है? मैं अभी पूरा घूम रहा था, मैं सिवान सदर में जो गोपालगंज बॉर्डर है वहाँ पे भी गया था, हुसैनगंज से होते हुए अंदर होते हुए रघुनाथपुर गया था, फिर मैं जो हसनपुरा है उस तरफ भी गया हूँ। और जो मैं देख रहा हूँ कि सारे जगह भीड़ काफ़ी है, मतलब जो स्कूली बच्चे हैं उनके अलावा जो बाकी अदर लोग हैं उनसे भी, उनका भी सहयोग पूरा पूरा मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि जो एक मैसेज जो जाना था समाज को कि बाल विवाह दहेज का जो है वो समाज से हम लोगों को मिल रहा है, समाज भी वो मानने को तैयार है कि वो चीज़ गलत है। आपको सर लग रहा है कि इस मानव श्रृंखला से दहेज जहेज वाला जो मामला या फिर बाल विवाह उस पर रोक लगाई जा रही है? हम लोग को जो एक मैसेज देना था कि जो जन जागृति होनी थी वो हम लोग कर चुके हैं, अभी क्या है कि लोगों को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग का प्रयास धीरे धीरे और भी जारी रहेगा। चलिए, आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री का जो बिहार सरकार का आदेश था, उस आदेश को इन्होंने पूरा करने का काम किया। आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि मानव श्रृंखला को लेकर जिला प्रशासन कितना सजग रहा और सिवान की जनता मानव श्रृंखला में कितने हद तक सफल शामिल हो पाई। हालांकि सिवान के सभी चौक चौराहों से हम दिखाएंगे कि सिवान में किस तरह से मानव श्रृंखला बनाई गई और कितना सफल रहा मानव श्रृंखला। कैमरा पर्सन आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN न्यूज़ सिवान।